ये 12012 डेड एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर देखिए 12012 ये तीन निकला हुआ है, और इस तरफ से जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर टूट चुका है, ये दो तार निकलता है, ये दो तार टूट चुका है। और इस तरफ से जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें 12012 का तार है, इसको हम फिर से रिपेयरिंग करेंगे, खोलेंगे, और जो प्राइमरी वाइंडिंग का दो तार टूट चुका है उसको हम दोबारा से लगाएंगे। ऐसा खराब हो जाए तो आप घर में बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। पहले आपको ये सब जो निकाल लेना है, और पिछले हिस्से का आपको निकाल लेना है, पिछले निकाल के आपको इस तरह से वाइंडिंग का ये खोल लेना है। खोलने के बाद ये जो सब कोर है, ये कोर को आपको धीरे धीरे से निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद आप ये धीरे धीरे वाइंडिंग खोल के आप दोबारा से ये तार को जोड़ सकते हैं। मैं इसको ये देखिए ये निकल गया। निकलने के बाद इसको ये बाइंडिंग को हम पूरा निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए इस तरह से अभी ये पूरा निकल चुका है, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग सब निकल गया। अभी हम प्राइमरी वाइंडिंग को अभी हम निकालेंगे, जॉइंट से खोलेंगे। ये देखिए ये प्राइमरी वाइंडिंग अभी खुलेगा। यहाँ से तार टूट चुका था, यहाँ से देखिए ये टूटा हुआ है तार, ये तार टूटने के वजह से ये खराब हो गया है। अभी हम इसको जॉइंट कर लेंगे, जॉइंट करने के बाद फिर से हम दोबारा से लगा लेंगे। ये दो तार है, यही दो तार को हम ये तार के मदद से हम लगाएंगे। ये जो दो प्राइमरी का तार है उसको हम थोड़ा सा छील लेंगे। छीलने के बाद ये जो दो तार को हम दोबारा से लगा लेंगे। लगने के बाद और एक तार को भी लगा लेंगे। ये देखिए दो तार लग गया है, अभी इसको हम सेट कर लेंगे। ये देखिए हमने प्राइमरी वाइंडिंग पे दो तार निकाल लिया है जो टूट गया था। अभी हम फिर से जैसा था वैसा सेकेंडरी वाइंडिंग को हम फिर से कर ले, फिर से ये काला पट्टी लगा लेते हैं। ये देखिए ये पूरा कवर हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। अभी हम प्राइमरी वाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद अभी हम सेकेंडरी वाइंडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। सेकेंडरी वाइंडिंग में हम एक तार लगा लेंगे, तो उसके बाद हम वाइंडिंग करेंगे। देखिए इसका हम सेकेंडरी वाइंडिंग को हम फिर से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से हाथ से मोड़ लेंगे, जल्दी होगा, हमारे पास मशीन नहीं है, तो इस तरह से हम ऐसे घुमा के मोड़ लेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी होगा। देखिए ये सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने पूरी तरह से लपेट लिया है, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा कागज लगा लेंगे, जैसे खोला था उस तरह से हम इस तरह से हम निकाल के दोबारा से हम उसको माफ करेंगे। दोबारा से सेट हो जाएगा। देखिए ये पूरा सेट हो गया है। अभी हम इसके ऊपर क्लैंप लगाएंगे, और ये जो तार है इसको तार हम तीनों जोड़ देंगे, तो ये दोबारा से हो जाएगा जैसा था वैसा हो जाएगा। आप भी इस तरह से घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, बहुत आसान है। ख़राब हुआ ट्रांसफार्मर फिर से आप लग कर सकते हैं। आपके लिए इतना ही, धन्यवाद।